जब भी हमें वेट लॉस करना होता है हम खाना छोड़ देते हैं, जो कि साइंटिफिकली रॉन्ग है, गलत अप्रोच है वेट लॉस के जर्नी पे जाने के लिए। इसीलिए आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे सिर्फ 6 चीजें देखेंगे, अगर आप छोड़ देते हैं उसे कम्प्लीटली खाना तो 20 डेज में आपका ड्रास्टिक चेंज आपको दिखाई देगा और अच्छा खासा वेट लॉस होगा, बेनिफिट मिलेगा। माय सेल्फ डॉक्टर अज़रा एहतिशाम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए बिना किसी देरी के इंटरेस्टिंग से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोशिश करते हैं और पूरा खाना छोड़ देते हैं और सिर्फ लिक्विड डाइट पे आ जाते हैं या ब्राउन ब्रेड पे सिर्फ आ जाते हैं, तो इससे वेट लॉस होता है लेकिन परमानेंट या मेंटेन नहीं रहता है। जैसे ही आप अगर कुछ खाते हैं तो वेट गेन अगेन हो जाएगा। इसीलिए आपको ऐसा वेट लॉस जर्नी ट्राई करना है या ऐसा वेट लॉस प्रोसेस ट्राई करना है जो मेंटेन रहे और आपके बॉडी को प्रॉब्लम ना हो, कमजोरी ना आए, वीकनेस ना आए और आप हेल्दी रहें और हेल्दी वेट लॉस भी हो। चलिए देखते हैं, पहली चीज जो आपको कम्प्लीटली कट करना है आपके डाइट से वो है रिफाइंड शुगर। रिफाइंड शुगर एक आप कह सकते हैं पॉइजन भी है, वाइट पॉइजन बोल सकते हैं, क्योंकि उससे हमें कोई फायदा तो मिलता नहीं है ना, उसमें न्यूट्रिएंट है ना, मिनरल है ना, विटामिन है, कुछ भी नहीं है, खाली कैलोरीज है। और हम अक्सर दिन में 2 से 3 कप चाय पीते हैं, उसमें 20-25% शुगर हम ऐसे ही इनटेक कर लेते हैं। तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो सबसे पहले आपको कट ऑफ करना है रिफाइंड शुगर, कोई भी फॉर्म में आपको नहीं लेना है। नेक्स्ट चीज जो आपको कट करना है वो है रिफाइंड फ्लावर, जिसे हम मैदा भी कहते हैं। मैदे में जब वो प्रोसेस होता है, मैदा बनने का प्रोसेस होता है, तो उसे इतना फाइन बनाया जाता है, जब वो प्रोसेस चालू रहता है तो उसमें जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, इसीलिए उसमें सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज बच जाती है जो हमारे बॉडी के लिए अनहेल्दी है। मैदा जब हमारे इंटेस्टाइन में जाता है तो वो चिपक जाता है, जिसकी वजह से गैस, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी और भी कॉन्स्टिपेशन, ये सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, ब्लोटिंग, और हमारा फैट भी एक्यूमुलेट हो जाता है। अगर इंटेस्टाइन में वो चिपक जाता है उसकी वजह से एब्डोमेन प्रॉब्लम तो होती ही होती है, उसके साथ हमें ओबेसिटी, आपका वेट बढ़ना, आप अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो वो नहीं होगा कि, और उससे हमें कोई फायदा भी नहीं मिलता। इसीलिए कोशिश करें कि मैदा कम्प्लीटली आप अपने डाइट में से कट कर दें। नेक्स्ट चीज जो आपको कट करना है आपके डाइट से वो है फ्राइड फूड्स। फ्राइड फूड्स में जैसे आप कह सकते हैं चिप्स हो गया, बर्गर, पिज्जा, इस सारी चीजों में बहुत सारा ऑयल होता है, कैलोरी होता है और हमें उसमें से मिलता कुछ भी नहीं है, वो हमारे बॉडी के लिए अनहेल्दी, ना हमें मिनरल देता है वो, ना विटामिन देता है, सिर्फ और सिर्फ फैट देता है जो हमारे बॉडी एक्यूमुलेट कर लेती है और हमारा वेट बढ़ जाता है। जब हमारे बॉडी में फैट इंक्रीज हो जाता है तो वो हमारे नसों में भी भर जाता है और उसके वजह से आपको हार्ट ब्लॉकेज, ये सारी प्रॉब्लम से भी गुजरना पड़ सकता है। इसीलिए फ्राइड फूड्स कम्प्लीटली आप कट करें अपने डाइट से। नेक्स्ट चीज जो आपको नहीं लेना है वो है पैकेज फूड। जो भी चीज़ पैकिंग में मिलती है या आप कह सकते हैं पैकेट में मिलती है, जैसे कुरकुरे, चिप्स, मैगी, ये सारी चीज़ों में बहुत सारा प्रिजर्वेटिव्स होता है, शुगर होता है, एक्स्ट्रा शुगर होता है और प्रिजर्वेटिव्स हम लोग डालते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, लेकिन जब हम उसे इनटेक करते हैं तो वो हमारे बॉडी के लिए अनहेल्दी है। इसीलिए कम्प्लीटली आप अवॉइड करें, बच्चों को भी अवॉइड करें कि आप पैकेज फूड ना दें, जो भी आप देना चाहते हैं घर में बना कर दें ताकि वो हेल्दी रहें और कोई प्रॉब्लम ना हो और आप भी ओबेसिटी से बचे रहेंगे। पैकेज फूड में जो प्रिजर्वेटिव आप खाते हैं उससे आपकी कैलोरीज इतनी तेज इंक्रीज होती है कि अगेन फैट एक्यूमुलेशन होता है, आपको डायबिटीज, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ों से भी गुजरना पड़ सकता है। फिफ्थ वन इज वाइट राइस एंड रोटी। हमारा मेजर पोर्शन डाइट में, खाने में चावल और रोटी का होता है। यस, कम्प्लीटली अवॉइड करना, बंद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप उसे रिप्लेस ज़रूर कर सकते हैं। अगर हो सके तो एक हफ्ते आप रागी की रोटी खाएं या जौ की रोटी खाएं, फिर गेहूं की खाएं, क्योंकि गेहूं में बहुत सारा कैलोरीज होता है, इसीलिए आप कंटिन्यू अगर उसे इनटेक करते हैं तो आपके बॉडी की कैलोरीज और फैट एक्यूमुलेशन इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, वाइट राइस आपको अवॉइड करना है, उसके जगह आप ब्राउन राइस ले सकते हैं या अब तो ब्लैक राइस आया वो भी बहुत हेल्दी होता है, वो भी ले सकते हैं। अगर हो सके तो राइस कट ऑफ कर दें, इजीली हो जाता है और वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। लास्ट चीज़ जो आपको कट करना है आपके डाइट से फॉर गुड वेट लॉस वो है हाई कैलोरी फूड।
जो भी फूड में हाई कैलोरीज होते हैं वो आपको बंद करना है। जैसे आजकल आदत है सॉफ्ट ड्रिंक की या एनर्जी ड्रिंक के नाम पर रेडबुल पीने की, ये सारी चीजें गलत है। इसमें बहुत सारी कैलोरीज होती है, शुगर होता है और ना हमें न्यूट्रिएंट मिलता है, ना मिनरल ना विटामिन। इसीलिए कम्प्लीटली कट ऑफ करें। केक, पेस्ट्री, बर्गर, पिज्जा, ये सारी चीजें आपको, इसमें बहुत हाई कैलोरीज होता है और उसे आप लूज करने में भी बहुत टाइम लगता है। इसीलिए ऐसे चीजें खाएं जो आपकी बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर पाए और आपका फैट ना इंक्रीज हो। इस जर्नी में अगर आप जाते हैं वेट लॉस जर्नी में, तो ये ध्यान रखें कि पेशेंट रखें, 5 दिन या 1 महीने में आपका वेट लॉस नहीं होगा अगर आपको वेट लॉस मेंटेन रखना है तो। इसीलिए धीरे धीरे ये जर्नी पे जाएं, रिलैक्स रहें, हैप्पी रहें, तो आपका वेट लॉस जर्नी भी इजी होगा। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आने वाले सारे हेल्थ टिप्स से आप अपडेटेड रहें। हेल्दी रहें, हेल्दी खाएं, एज योर हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी। थैंक यू।